Good morning, nursery kids. Welcome to your today's session. Kids, in Hindi, once again, today we will do letter O with a dot. बच्चों, आज हम हिंदी में एक बार फिर से बड़ा O बनाने का अभ्यास करेंगे एक डॉट के साथ. Okay, so start with the date 4/11/20. Then you will write class work and write the heading अक्षर O, O से O. बच्चों, अब हम बड़ा O बनाने का अभ्यास करेंगे एक डॉट के साथ. Okay, so start with the first one. डॉट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे नीचे की लाइन तक. इसके बाद O की टेल बनाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे. इस तरह से आपको भी बड़ा O बनाने का अभ्यास करना है. एक बार फिर से बड़ा O बनाएंगे, डॉट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे नीचे की लाइन तक. इसके बाद O की टेल बनाएंगे, फिर O में स्लिपिंग लाइन देंगे. एक बार फिर से O बनाने का अभ्यास करेंगे. डॉट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे. इसके बाद O की टेल बनाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे. एक बार फिर से डॉट से स्टार्ट करेंगे. कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व. इसके बाद O की टेल बनाएंगे, फिर O में स्लिपिंग लाइन बनाएंगे. तो बच्चों, इस तरह से अब आपको भी बड़ा O बनाने का अभ्यास करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में. ओके किड्स, थैंक यू. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर मैथ सेशन. किड्स, इन मैथ्स वंस अगेन टुडे वी विल डू नंबर 12 विद अ डॉट. ओके, सो स्टार्ट विद द डेट 4/11/20. देन यू विल राइट क्लास वर्क एंड राइट द हेडिंग नंबर 12. नाउ वी विल राइट द नंबर 12 विद अ डॉट. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Start from the dot and make a standing line to the bottom line. Then we will make a curve. After this, we will make a slipping line. Once again, start from the dot and make a standing line to the bottom line. Then we will make a curve. After this, we will make a slipping line. Let's do it again. Start from the dot and make a standing line to the bottom line. Then we will make a curve. After this, we will make a slipping line. Once again, start from the dot and make a standing line to the bottom line. Then we will make a curve. After this, we will make a slipping line. So kids, now we have done number 12. Kids, in this way, you have to complete number 12 in your math notebook. This is your today's work. So do your work in it in clean handwriting. Okay kids, thank you. Bye-bye.